मुजफ्फरनगर में एक पंचायत चल रही है जो 1 लाख से ऊपर लोग प्रेजेंट हैं वहाँ, चाहे वीडियो कॉल करके देख लो, वो सारे लोग आएंगे, 1 लाख उसके बराबर आएंगे, उससे ज़्यादा लोग आए। हमने महापुरुष मारा मारा पर तारे तारे दुनिया जावे। हम किसानों के मुंह से जब भी निकली जय जवान जय किसान निकली, जनता को इसने नंगा कर दिया। टिकैत साहब के लिए पानी लेकर आए? हाँ पानी लेकर आए टिकैत साहब के लिए। कितना पानी लेकर आए? 5 लीटर। 5 लीटर की कैन लेकर आए। कितने लोग पानी लेकर आए? समझ रहा हूँ कम से कम जितने भी लोग आ रहे हैं तो ये 5,000 टुकड़ी होंगी, एक तो 20,000 आदमी है तो 4-4 लोग भी साथ आ रहे हैं तो 5,000 लोग पानी लेकर आए कम से कम। ठीक है साहब ने बोला कि यहाँ अगर सरकार पानी प्रोवाइड नहीं कराएगी तो हम यहाँ समर सेविल खोद देंगे, यहीं अपने पानी की व्यवस्था करेंगे, क्या आप उससे सहमत हैं? क्यों खोद देंगे, अपने घर से लाऊंगा डेली, अरे वे आज्ञा देंगे तो खोद भी देंगे। कल के यहाँ पर जो विरोध हुआ, यहाँ पर जो योगी सरकार का आदेश आया, उसके बाद यहाँ कितनी अफरा तफरी आपको देखने को मिली? काफ़ी मिली अफरा तफरी, काफ़ी अफरा तफरी थी, प्रशासन का बहुत दबाव था पब्लिक पर। यहाँ आधे से ज़्यादा टेंट उखड़ चुके थे और अब मैं देख रहा हूँ कि अब टेंट और लगते जा रहे हैं, धीमे धीमे लोग भरते जा रहे हैं, कितने लोग और आ सकते हैं? कोई पता नहीं कितने लोगों के साथ है, कोई जानकारी इतनी नहीं है कि कितनी पब्लिक आ सकती है, सब चलने पर ही है। यहाँ शाम तक कितने लोग और आ सकते हैं? 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर हाँ। अभी एक महापंचायत गांव-गांव में पंचायत हो रही है, जब पंचायत पूरी हो जाएंगे उसके बाद काफी लोग आओगे, 1 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे, 1 लाख तो मान के चल रहे हैं, उसके ज्यादा आ सकते हैं। मुजफ्फरनगर में एक पंचायत चल रही है जो 1 लाख से ऊपर लोग प्रेजेंट हैं वहाँ, चाहे वीडियो कॉल करके देख लो, वो सारे लोग आएंगे, 1 लाख उसके बराबर आएंगे, उससे ज्यादा लोग आएंगे। रात पुल के नीचे 200 विधायक सांसद आए थे, 400 आदमी थे बीजेपी के, और सरदारों को हत्या कराना चाह रहे थे, कर रहे थे, हमने उन्हें रोका, वे हमारे डर से भाग गए, मगा जो कुकर याद होता छुट्टी पहला आदमी है, पुलिस भी उनकी गलती, हमने माँ पुलिस मारा मारा पर थारे कहते ना जावे हम, तो पुलिस मार सका थारी लाठी नहीं रखे हम कुकर याद हो। मैं जयकरण भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष बीबी नगर से बोल रहा हूँ। मैं इस सरकार की इतनी बड़ाई करना चाहता हूँ जिसे हमने इतना सम्मान दे करके दिल्ली की गद्दी पे एक राजा बनाया, उसकी इस क्रूरता का हिसाब आज इसने हमें दिखा दिया कि जनता को इसने नंगा कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए इसने जो हमारे बीच में अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भेजा, तिरंगे का अपमान किया, किसानों का अपमान किया, किसानों के मुंह से जब भी निकली जय जवान जय किसान निकली, जय जवान जय किसान की निकली, हमारे ऊपर उन जवानों ने फूल बरसाए, हमारा स्वागत किया, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था हम दिल्ली में लाल किले का अपमान करें, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जा करके हमारे तिरंगे को अपमान किया है, और हम ये चाहते या तो वो आकर के बीजेपी वाले हमें जवाब दें और ये कहें क्या है हमारे खाने का व्यवस्था नहीं करी, पीने की व्यवस्था नहीं करी, हमारे भाइयों ने आपस में जो हमारे साथ में करा।